हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। आप सभी के चैनल पर स्वागत है। और प्रीवियस वीडियो में मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि सर ईएससी 2025 का जो लेटेस्ट बुक है इसका क्या है, रिव्यू कर दीजिए। तो ईएससी 2025 को मैं कंपेयर करूँगा ईएससी 2021 के साथ। ठीक, इसके साथ प्रीवियस वीडियो में जो नीचे रिक्वेस्ट थी मैं वो आपका क्या है इसी वीडियो में क्या कवर करूँगा। एसएससी जेई 2025 का जो मैंने रिव्यू दिया था बुक का, आईएएस मास्टर का जो 7th एडिशन था, बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर कम से कम मेंस के क्या है जो है वो पूरे क्वेश्चन आप दिखा दीजिए। एसएससी जेई मेंस का जो डिटेल सॉल्यूशन था वो मैं इस वीडियो में क्या है कवर कर दूंगा। सो आईएएस मास्टर मैं सिर्फ चीज़ें दिखा रहा हूँ जो भी आपका लेटेस्ट एडिशन आया है उसके हिसाब से, एंड जो प्रीवियस मेरे पास बुक रखी हुई है जो जिसमें कि आपके 26 ईयर्स के क्या है सोल्यूशन थे और उसके बाद क्या अपडेट हुआ है, मैं सिर्फ बच्चों को वो कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर क्या है देखता है, जो 2025 जो आया है जिसमें कि सबसे बड़ा आपको नज़र आया कि 30 साल के जो भी क्वेश्चंस हैं उनका क्या है इसमें डिटेल सॉल्यूशन किया गया है। अब एक नज़र मार लेते हैं प्राइस पर कि जो बुक का प्राइस था 2021 में इनका कितना प्राइस था उस पर देख लेते हैं। तो 2021 में जो बुक है मैं इसका यहाँ पर दिखाता हूँ, जो प्राइस था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 800 रुपये का था। लेकिन आज के टाइम पर अगर देखा जाए कि प्राइस के साथ साथ इन्होंने क्या मतलब चीज़ें दी हैं, तो आज के टाइम पर जो प्राइस है वो इस बुक का है 1150 रुपये। बट अब बात करते हैं, कंपेयर करते हैं कि कंटेंट क्या कंटेंट ऐड हुआ है, क्या चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो बुक की थिकनेस पहले थी कुछ कम थी वो क्या है बढ़ गई है, एंड मार्केट में क्या है आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से कंटेंट इन्होंने ऐड किया है उस पर भी क्या है नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि पहले जो क्वेश्चन थे जो यहाँ पर आप देखें, आपको यहाँ से नज़र आएगा कि 742 पेजेस आपको क्या है इसमें नज़र आते हैं वॉल्यूम 1 में। इसके बाद वॉल्यूम 2 पर बात करते हैं, तो वॉल्यूम 2 में क्या है सेम प्राइस यहाँ पर क्या है 800 रुपये इसका वॉल्यूम 2 का। ठीक है, एंड यहाँ पर पेजेस देखते हैं तो लगभग 812 पेजेस आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। अब देखते हैं कि वॉल्यूम 2 में क्या है टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने इन्होंने कर दिया यहाँ से, तो यहाँ से क्या है 800, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 886 पेजेस मतलब इन्होंने क्या है यहाँ से कर दिया। तो नियर अबाउट क्या है जो पेजेस हैं वो क्या कितने इनके बढ़ गए, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो पेजेस है वो यहाँ से बढ़ गए लगभग मोटे मोटे आप बोल सकते हैं 75 पेजेस क्या है इन्होंने बढ़ा दिया। 4 ईयर के सॉल्यूशन में इन्होंने 75 पेजेस क्या है बढ़ा दिया। अब बात करते हैं कंटेंट पर, तो मैं वॉल्यूम 2 क्या है आपको दिखा देता हूँ, इसके बाद सभी पेजेस नहीं दिखा सकता हूँ। तो वॉल्यूम 2 में जो पहल था यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल्यूशन, आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से क्या है डिटेल सोल्यूशन क्या है इन्होंने क्या है यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ से देखें आप 1995 से 2020 के क्या है इन्होंने यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब कवर किया हुआ है। तो ये क्या है वीयर बैराज, ये फ्लूड मैकेनिक्स मैंने ओपन किया हुआ है विद डिटेल सॉल्यूशन क्या इन्होंने चीज़ें दिखाई हैं। सेम जो न्यू किताब है जो न्यू बुक है इसमें क्या है इन्होंने किया है 30 ईयर का, यहाँ से आप देखें अगर मैं सेम टॉपिक ही ओपन करूँ फ्लूड मैकेनिक्स क्या है सेम ओपन है। ठीक, पूरा कवर होने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं विद डिटेल सॉल्यूशन क्या है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ें ऐड की गई हैं और उनको क्या है अपडेट भी क्या है किया गया है। यहाँ पर आप देखें 1997, 96, 1995, इसके बाद 98, 2000, ठीक है, और इसके बाद 2024 तक के क्या है सॉल्यूशन इन्होंने क्या है अपडेट कर दिए। एंड बात करते हैं कि इसका डिटेल सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, तो वो आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये क्या है कुछ इस तरह से क्या इन्होंने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्या चीज़ें दी हैं। तो ओवरऑल अगर आप ईएससी की प्रिपेयर कर रहे हैं एंड आपके जो टारगेट एग्ज़ाम है एई का अगर आप देख रहे हैं तो स्टेट एई के लिए क्या है काफ़ी बेस्ट है, एंड गेट के एग्ज़ाम के आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या है वन ऑफ बेस्ट बुक ये है। इसके बाद आगे चलते हैं पेपर 1, तो पेपर 1 में क्या है ये थी ओल्ड, ठीक है, ओल्ड इसको की क्या है इन्होंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये क्या है ओपन है, इसको भी क्या है इन्होंने अपडेट किया। अपडेट करने के बाद पेजेस क्या है इस बुक में भी क्या है यहाँ से बढ़ाए गए, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आईएएस मास्टर के जो भी एडिशन यहाँ पर आए हैं एक बार नज़र डाल लेते हैं। ये रहे एडिशन, फर्स्ट एडिशन 2016, सेकेंड 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, और लगातार क्या है अपडेटेड ये करते रहे। बट मेरे पास जो है वो जो एडिशन है ईएससी 2021 का, एंड इसके बाद ईएससी 2025 जिसमें कि क्या है 2024 तक के क्या है सोल्यूशन इन्होंने दिए हुए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप यहाँ पर देखें जो भी टॉपिक आया है 2024, 2023, 2022 ये सब क्या अपडेटेड करके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या जो भी आया उसका डिटेल सोल्यूशन इन्होंने क्या है यहाँ पर पहले की दिया है की के साथ, फिर बाद में क्या है इन्होंने क्या है इसमें सोल्यूशन क्या है अपडेट करके विद डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है चीज़ें दी हैं। तो आईएएस मास्टर का एक्सप्लेनेशन नो डाउट काफ़ी अच्छा होता ही है, यहाँ पर जो कि इन्होंने कवर किया है वो इसमें दिया है काफ़ी अच्छी तरह से। ठीक, तो ये चीज़ें क्या है इन्होंने यहाँ पर दिया। इसके बाद बात करते हैं कुछ बच्चे जो फिर से बोल रहे थे कि एसएससी जेई आईएएस मास्टर जो कि
प्री का है, और प्री के साथ साथ क्या है अब ये मेंस का भी बन गया है, जिन बच्चों को नहीं पता था। तो वो बच्चे क्या है यहाँ से देखें तो इसका क्या है, सेवन्थ एडिशन था जिसमें कि 55 नंबर ऑफ सेट क्या है कवर किए गए थे। ओनली ये टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल का क्या है मेरे पास अभी नहीं है अवेलेबल, तो अगर वो मेरे पास आएगा तो मैं उसको भी दिखा दूंगा। ठीक, तो उसके लिए पोस्टल पैकेज का मैंने दिखाया था, तो आप पोस्टल पैकेज के थ्रू क्या नॉन टेक्निकल देख सकते हैं। तो इसमें भी क्या है 2023, इसके बाद 2024 विद डिटेल सॉल्यूशन क्या है, 2024 के भी क्या है इन्होंने कवर करा दिए, जो कि अभी रिसेंट में क्या है पेपर हुआ था। तो 2024 के क्वेश्चन भी क्या है विद डिटेल सॉल्यूशन क्या है इन्होंने दिए हैं। अब बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि जो पेपर है उसका, जो मेन्स का पेपर था उसको क्या है दिखाया जाए, तो मैं मेन्स का पेपर सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि PDF वगैरह मैं प्रोवाइड नहीं करा सकता हूँ। तो मैं सिर्फ मेंस का जो पेपर था इनका लास्ट में, उसका सॉल्यूशन किस तरह से है वो मैं आपको क्या है गो थ्रू करवा देता हूँ चीज़ों को। ठीक है, ये 100 क्वेश्चंस क्या है यहाँ से SSC JEE मेंस के हैं, थोड़ा ये लॉन्ग है बट आप देख सकते हैं चीज़ें, मैं उसको क्या है कवर कर देता हूँ। ये रहा, ये SSC JEE आईस मास्टर 2023 पेपर टू का क्या है डिटेल सॉल्यूशन यहाँ से है। इन्होंने इसको क्या है टॉपिक वाइज मतलब किया है, सब्जेक्ट वाइज इसको चेंज किया है। तो सब्जेक्ट में भी क्या है इन्होंने टॉपिक्स रखे हैं, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल इन्होंने ओपन किया है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल में इन्होंने पहला जो टॉपिक है उसके हिसाब से रखा है जो भी वहाँ पर है। इसके बाद शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का क्वेश्चन है तो उसको रखा है। ठीक, फिर इसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ से आप देखें कि शियर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट से रिलेटेड ही क्या क्वेश्चन आया तो फिर उसको आगे रखा है। इसके बाद कॉलम पे ये पहुंचे हैं, फिर इसके बाद ये सवाल आया है, तो जितने भी मतलब क्वेश्चंस थे उनको क्या है लगातार इन्होंने रखा है। इसके बाद RCC डिज़ाइन आप यहाँ से देख सकते हैं इसको विद डिटेल एक्सप्लेनेशन जो भी इन्होंने चीज़ें दी हैं। तो RCC डिज़ाइन के जितने भी क्वेश्चन थे वो सब यहाँ पर क्या है कवर हो गए, जिसमें कि इन्होंने कवर किया है यहाँ से कंक्रीट टेक्नोलॉजी को भी। ठीक, इसके बाद आगे चलता हूँ, आगे दिखाता हूँ यहाँ से RCC डिज़ाइन के जितने भी क्वेश्चन थे वो। इसके बाद स्टील डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन के जितने भी टेबल रिलेटेड यहाँ से कॉलम मैचिंग का ये क्वेश्चन आया था, तो कॉलम मैचिंग के क्वेश्चंस को इन्होंने विद टेबल क्या है यहाँ से दिखाया है। इसके बाद आगे चलता हूँ, आगे जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं वेल्डिंग का है, तो वेल्डिंग के जितने भी डिफरेंट टाइप होते हैं वो सब इन्होंने बताया। फिर इसके बाद कॉलम मैचिंग का जो क्वेश्चन आया उसको पूरा अच्छी तरह से क्या है कवर किया। फिर इसके बाद आगे लेसिंग ब्रेसिंग का जो क्वेश्चन था वो उसको कवर किया। ये पूरा मतलब कोडल वैल्यू जितने भी है, ये स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन था इसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। बिल्डिंग मटेरियल कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो कुछ टॉपिक्स क्या है वहाँ पर RCC में भी थे, तो कुछ टॉपिक्स क्या थे जो कि कोर थे वो उनको क्या है यहाँ पर क्या है कवर किया गया है यहाँ से पूरा आप देख सकते हैं। ये रहा, इसके बाद आइडेंटिफाई मतलब करेक्ट स्टेटमेंट का इसमें पूछा था, तो वो भी चीज़ें क्या है यहाँ पर दी हुई है। तो बच्चों ये क्या है मतलब कुछ मोटा मोटा है जो कि मैंने आपको लगभग दिखा दिया है, 30-40 सवाल जो कि ये है मेन, 30 क्वेश्चंस क्या है आपके यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि आईएएस मास्टर ने किस तरह से दिया है। अगर बात किया जाए तो लगभग 15-20 पेज लगभग इन्होंने एक्सप्लेनेशन में क्या है यहाँ पर दिए हैं, उससे ज़्यादा ही होंगे। अगर वैसे बात की जाए तो 40 पन्ने लगभग क्या हो जाते हैं। तो आईएएस मास्टर ने क्या है अपना इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो भी मेंस में है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने एड ऑन की हैं, क्योंकि पिक्टोरियल चार्ट के हिसाब से सब कुछ बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके क्या है इन्होंने दिया है। अब बात करते हैं इस बुक के प्राइस की, यहाँ पर आप देखें कि सॉइल मैकेनिक्स में से विद एपरेटस एंड सारी चीज़ें क्या है यहाँ पर रखी हैं। तो इसका प्राइस क्या है थोड़ा वेरी कर रहा है अमेजन एंड फ्लिपकार्ट, जिस पर भी आपको सूटेबल लगे, जब मिनिमम हो तब आप क्या है परचेज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल 1650 रुपये है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब इसका मिनिमम प्राइस हो उस टाइम पर क्या है आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, बाकी चॉइस क्या है आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करें ESC के दोनों वॉल्यूम की, 30 इसमें 30 साल का सॉल्यूशन है एंड इसमें क्या है इसमें भी क्या है 30 ईयर के सॉल्यूशन है, एंड इसका प्राइस जो है वो 1150 रुपये है। एंड अभी के लिए इतना ही, अगर आपको अगर किसी और बुक का फीडबैक चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। देन स्टेट AE के लिए अगर आप किसी बुक को देख रहे हैं, जैसे कि अभी UPSC AE आने वाला है, BPSC AE है, उनके लिए क्या है ये तीनों बुक अगर आप लगा लें तो मोर देन सफिशियंट है टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए। इसके साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर हो जाएंगे, गेट के जो क्वेश्चन हैं वो सभी क्या है यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इससे बाहर क्या है आपका कोई क्वेश्चन क्या है आने वाला नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके सारे यहीं से क्या है बिल्ड हो जाएंगे। सो टेक केयर, सी यू सून, बाय।